बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। उत्तम गौ, अति उत्तम। देखा कितना चतुर है मेरा गौ, कैसे युक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। और वो हनुमान जिसने बुद्धिहीनों की भांति सीधे प्रवेश करना चाहा, और कैसे उस पर वार हुआ और कैसे गिरा है वो। आप भूल गए हैं वरुण देव, बालक बार बार गिरकर ही चलना सीखता है। जब ज्योति स्वयं जलती है तभी प्रकाश फैलता है। इनसे युद्ध करके भीतर जाना ही उचित होगा, अन्यथा ये लौटते समय भी व्यवधान उत्पन्न करेंगे। बुद्धिमानी तो यही है कि इनसे बचते हुए सीधे भीतर चला जाऊं। यदि भीतर जाने में अड़चन आई भी तो अवसर मिलते ही इस अंगूठी की मणि पर दबाव डालकर की मायावीर शक्ति से मेरे समक्ष आने वाले योद्धाओं को मूर्छित कर दूंगा और भीतर प्रवेश कर जाऊंगा। दृश्य हो गए। मुद्रिका का प्रयोग तो तभी करना होगा जब सामने वाला योद्धा दिखाई दे। मुझे उचित अवसर ढूंढना होगा। महारानी अंजना, अचानक क्या? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। क्या बात है पुत्री अंजना? ऋषिवर, अंजना ने एक दूसरा अपना देखा कि हनुमान पर घोर संकट है, तभी से ये व्याकुल है और बावली सी दौड़ती दौड़ती आपके पास आई। उस दुःस्वप्न के बारे में सुनकर हम सब बड़ी चिंता में हैं ऋषिवर। अब आप ही ध्यान कीजिए और हमें बताइए कि हनुमान कुशलता से तो है। धीरज रखिए, मैं अभी बताना हूँ। हनुमान को भी अपनी स्वाभाविक शक्तियों के साथ इस स्पर्धा में प्रस्तुत होना पड़ेगा। उचित है। मैं इस प्रतिस्पर्धा में अपनी वरदानी शक्तियों के बिना ही भाग लूंगा। हनुमान कोई संकट में तो नहीं? वो कुशल से तो है ना? हनुमान की शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो गई है। वरुण देव की आपत्ति के कारण हनुमान को अपनी शिक्षा पुनः आरंभ करने के लिए फिर से परीक्षा देनी पड़ रही है। वो परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं है, बहुत ही कठिन परीक्षा है। किंतु इस परीक्षा से मेरे पुत्र पर कोई संकट तो नहीं आ रहा है ना? संकट तो आ रहा है तुम्हारे पुत्र पर। दूर अकेला है वो, कैसे इस संकट का सामना करेगा? ऋषिवर, इस संकट से उसकी रक्षा करने का कोई तो उपाय होगा। उपाय है,
पुत्री अंजना, तुम्हारे पुत्र की कुशलता और स्वप्न के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए कोई घोर पूजा या व्रत करना होगा, तभी संभवतः हनुमान पर आने वाला संकट टल सकता है। मुझे पुनः प्रयास करना होगा। चार योद्धा हैं। ये तो हनुमान के विरुद्ध षड्यंत्र है प्रभु, उस अबोध बालक को विपदा में डाला जा रहा है। प्रभु और माता दोनों ध्यान में लीन हैं। इनसे कैसे पूछूं मैं कि हनुमान के साथ अन्याय हो रहा है। दिव्य शक्तियों के बिना हनुमान के पास मात्र अपनी ही शक्तियां शेष हैं। कहीं हनुमान को कुछ हो ना जाए। एक देव पुत्र के साथ हनुमान को ऐसी परीक्षा के लिए भेजा जा रहा है जिसमें उसके प्राणों को भी संकट हो सकता है। यदि हनुमान परास्त हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। जिस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हनुमान यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आया है, उसके लिए हनुमान को विजयी होना ही होगा। चार योद्धा, और ये तभी पूर्णतया दिखाई देते हैं जब ये वार करते हैं अथवा इनका और इनके शस्त्र का संपर्क मेरी देह से होता है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अदृश्य योद्धा करते वार, कैसे पाए उनसे पार। बुद्धि ने युक्ति सुझाई, हनुमत ने सफलता पाई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान इन योद्धाओं के अदृश्य होने का रहस्य जान गया है, अब शीघ्र ही इनको पार कर आगे बढ़ जाएगा। वरुण देव तो स्वयं एक देवता है, और फिर देवताओं के हित के लिए हनुमान ने अनेकों कार्य किए हैं। वरुण देव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वरुण देव के कारण एक माँ के पुत्र पर संकट आया है। हे जल के देवता वरुण देव, आज मैं हनुमान की माँ अंजना जल का त्याग करती हूँ। जब तक हनुमान की शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, मैं जल ग्रहण नहीं करूंगी। ऐसा मत करो पुत्री, न जाने हनुमान की शिक्षा कब पूर्ण होगी। पुत्री अंजना, यह सत्य है, माता पिता बंधु बाधों के द्वारा किए गए व्रत आदि उपायों से संतान और बंधुओं को बल मिलता है जिनके लिए व्रत किया गया हो, किंतु व्रत उचित और नियमानुसार किया जाना चाहिए। ऋषिवर, एक माँ अपने पुत्र की कुशलता के लिए कुछ भी कर सकती है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हें अनिमेष व्रत करना होगा। हनुमान जी, तुम क्या कर रहे? मत गिरो बाद। गिरेगा, पुनः गिरेगा हनुमान।
कैसे अदृश्य होते हैं आप? आप युद्ध करिए। अर्थात बिना पलक झपकाए निरंतर सूर्य देव को निहारना, ये तो बहुत ही कठिन व्रत है महर्षि। इसमें तो इसकी दृष्टि भी जा सकती है। अपने पुत्र को काल दृष्टि से बचाने के लिए अंजना को अपनी दृष्टि पर संकट को लेना ही होगा। मेरी दृष्टि रहे ना रहे, मेरा पुत्र सकुशल होगा तो उसकी दृष्टि से मैं अपना संसार देख लूंगी। अपने पुत्र हनुमान की कुशलता के लिए मैं अनिमेष व्रत रखूं और उसकी शिक्षा ना रुके इसके लिए मैं निर्जला व्रत भी रखूं। ये हनुमान कहीं गौ से पहले ही कालकुंभ में प्रवेश ना कर जाए। शीघ्रता करो गौ, आगे बढ़ो। हनुमान, तुम्हारे कारण ही अब मैं जान गया हूँ कि इन योद्धाओं को शस्त्र पकड़ते ही ये दिखाई देने लगते हैं। अब देखता हूँ मैं भी इन्हें। अब देखता हूँ कैसे अदृश्य होते हो तुम सब। अब बताता हूँ कि गर्व क्या है। सब हनुमान की ओर देख रहे हैं। यही अवसर है लंकेश द्वारा दी गई शक्ति के प्रयोग का। सामने कालकुंभ है। इन योद्धाओं से लड़ने से तो अच्छा है सीधे कालकुंभ में जाकर ध्वज ले आऊं। ऐसा अवसर पुनः नहीं मिलेगा। नारायण नारायण। गव और हनुमान दोनों ही अपने चरित्र के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। अपने बल और चातुर्य के अहंकार से भरा हुआ गव आक्रामक है, इसलिए उसने भाला चुना। हनुमान अतुलित बल का धाम है, किंतु अहंकार जैसे विकार से अछूता हनुमान रक्षात्मक है, इसलिए उसने ढाल का चुनाव किया। अब देखना यह है कि विजय अहंकार और आक्रामकता की होती है या संस्कार और रक्षात्मकता की। नारायण नारायण। यदि इन्हें अपने मार्ग से हटाना है
तो इन्हें इस पंक्ति से बाहर करना होगा। इस अफसर को हाथ से जाने नहीं दूंगा मैं। काल कुंभ में प्रवेश करते ही उसके पटल बंद होना आरंभ हो जाएंगे। तो इसके पटल क्रियाशील हो उठे हैं, मुझे शीघ्रता करनी होगी। देखो, हनुमान अभी बाहर योद्धाओं में ही उलझा हुआ है। और मेरा गांव काल कुंभ में भी पहुंच गया है। यह है बल और चतुराई, हनुमान से श्रेष्ठ है मेरा गौ। गौ तो हनुमान से पहले पहुंच गया है। यदि हनुमान की स्पर्धा में विजय नहीं हुआ तो कैसे अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाएगा, और बिना शिक्षा पूर्ण किए कैसे उनसे मिल पाएगा जिनसे उसे मिलना है। से शीघ्र ही बाहर निकलना होगा। विजय मेरी ही सुनिश्चित है। इसके लिए धन्यवाद लंकेश, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ओहो, एक और बाधा। चक्रों से मेरा बचाव ये दिव्य भाला करेगा। प्रतीत होता है कालकुंभ सक्रिय हो गया है, मुझे शीघ्रता करनी होगी।